नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के वलारी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली में 28 मई को साक्षी हत्याकांड के आरोपी को मृत्यु दंड दिए जाने और लव जिहाद का शिकार बन रही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग की गई है, जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी के वलारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें गौरक्षा परिषद जिला अध्यक्ष राजेश बघेल, ब्लॉक अध्यक्ष के वलारी, विजेंद्र विश्वकर्मा, सुरेश लोधी, शिवम सिंहरा, आशीष लोधी, आनंद यादव, दीपक बघेल, बाबूराम बघेल, जितेंद्र ठाकुर, राजकुमार वंदेवार, जयप्रकाश चौरसिया, रामलाल झारिया, रामदयाल ढेरिया एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कौशल किशोर चौकसी की रिपोर्ट। वह महिलाओं लव जिहाद का शिकार बन रही है। हिंदू बहन बेटियों की हत्या हो रही है, जिस पर जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश की राजधानी में सरेआम साक्षी नाम की नाबालिग बालिका के निशंस हत्या हो रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि देश में हिंदू महिलाएं कितनी असुरक्षित है। महोदया जी, आपसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि देश में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लव जिहाद की